अरे नहीं नहीं मुझे आपका ऑफ़र नहीं चाहिए, मुझे क्रेडिट कार्ड का या फिर कोई भी ऑफ़र नहीं चाहिए। मैं अपने खुद से बहुत खुश हूँ, मुझे आपका कोई भी ऑफ़र नहीं चाहिए। अगर आपने फिर मुझसे कॉल किया तो बहुत बुरा हो जाएगा, ठीक है? आप मुझे फिर कॉल मत करना। ऐसे कंपनी लोग क्यों मुझको डिस्टर्ब करते हैं? मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए। आपको मैं बता रहा हूँ ना, मैंने कितनी बार आपको बताया, आपने कितना आज पूरा दिन में आपने कितनी बार कॉल किया मुझको, मुझे नहीं चाहिए, प्लीज़ फ़ोन रखिए। सुबह से कितनी बार कॉल आ चुका है मुझे आज अच्छा नहीं, मेरा इनबॉक्स भी फुल हो गया, मैसेज पूरी की तरह फुल हो गया। तो मैं क्या करूँ, इतनी सारे कॉल इतनी सारे मैसेजेस क्यों आता है कंपनी की तरफ से? क्या कोई भी जरिया नहीं मैं इसको ब्लॉक कर सकता हूँ? तो हाँ दोस्तों, आप अगर चाहे तो कोई भी कमर्शियल कॉल, प्रमोशन कॉल, एसएमएस कुछ भी आप ब्लॉक कर सकते हैं, जो भी आपके कंपनी की तरफ से आते हैं, आपके फ्रेंड लोगों के नहीं, बहुत आसान तरीके से। अगर आपको नहीं पता था तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिए, अगर आपको पता है तो वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं, अगर आपको जानना है इसके बारे में तो वीडियो को पूरा का पूरा देखते रहिए। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मेहर राणा, आप देख रहे टिकट चैनल, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिए, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, बाजू में बेल आइकन उसे जरूर दबा दें ताकि आपको मिले हमारे चैनल के नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो इस वीडियो को सबसे पहले दोस्तों, अगर आप अपना चाहते हैं कि आप अपने फ़ोन में DND यानी कि डू नॉट डिस्टर्ब पुलिस सेवा को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको करना पड़ेगा सिर्फ एक काम, आप अपने फ़ोन के डायल टोन में जाइए और वहां पर डायल कीजिए 1909। हाँ दोस्तों 1909, या फिर जाइए और आप कॉल लगाइए। कॉल जाने के बाद आपको जो भी पूछा जाएगा DND को एक्टिवेट करने के लिए, वो आप डायल टोन में दबा दीजिए और आपका DND एक्टिवेट हो जाएगा 7 दिनों के अंदर। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं ये DND क्या होता है और कैसे काम करता है और इसको काम करने में 7 डेज क्यों लगता है, तभी आपका एक्टिवेट क्यों नहीं हो जाता और किस तरीके से कंपनी जो होती है वो उसको पता लगता है कि आपके पास मैसेजेस या फिर कॉल नहीं जाना चाहिए, दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिए। दोस्तों क्या होता है कि हम अगर किसी भी DND में आपने कॉल लगाते हैं, या आप एयरटेल में हो, वोडाफोन में, जियो, आइडिया, कुछ भी में, तो कॉल लगाने के बाद अगर आप DND को रजिस्टर करते हैं और एक्टिवेट करते हैं, हाँ दोस्तों, जो ट्राई है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसका कहना है कि आप अपना DND एक्टिवेट कर सकते हैं और बहुत आसान तरीके से। तो आप अगर रजिस्टर किया चुका है तो आपका नंबर चल जाएगा ट्राई के पास, जो ट्राई और भी कंपनी के पास अपना आपका जो नंबर है वो लिस्ट के आपका बहुत आपके दोस्तों का जो होता है वो पठा देता है और उनको लोगों को कहता है कि आप इन लोगों के पास अपना प्रमोशन कॉल या फिर SMS आप सेंड नहीं कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि टाइम क्यों लगता है, 7 दिनों का टाइम क्यों लगता है? तो दोस्तों की बात ऐसे कि बहुत सारी जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है उसके पास बहुत सारा समय नहीं होता और स्टाफ बहुत ही कम होता है, तो ये लोग क्या करते हैं, जो आपने रजिस्टर है वो आप में 7 दिन या फिर कोई भी कभी कभी महीने में एक बार अपलोड करता है। तो अपलोड करने के बाद अगर आपका नंबर आ जाता है तो आप वहाँ पर DND में रजिस्टर हो जाते हैं और कंपनी आपको कोई भी मैसेज नहीं पठा सकते हैं। हाँ दोस्तों, अगर कोई भी DND एक्टिवेट करने के बाद भी अगर एक महीने के अंदर अंदर आपको मैसेज आता है तो कोई या फिर आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अगर एक महीने के बाद भी आपको मैसेज आता है तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं इसका, और रिपोर्ट का जुर्माना है भी 25,000 रुपये। अगर आप एक महीने के बाद भी आपको मैसेज मिलता है तो कंपनी आपको जुर्माना भरेगी, 25,000 रुपये आपको मिलेगा। तो दोस्तों ऐसा भी हो सकता है, अगर आपका लक अच्छा हो तो 25,000 रुपये आप भी जी सकते हैं, लेकिन अगर आपको DND एक्टिवेट करना तो इस तरीके से आप DND एक्टिवेट कर सकते हैं और जो कमर्शियल कॉल से और जो प्रमोशन कॉल से उससे छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, मेरा नाम देख रहे टिकल चलें, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और वीडियो पूरा का पूरा देखने का कोशिश जरूर कीजिए। चलो दोस्तों चलते हैं, फिर मिलेंगे नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।